जूना अखाड़ों के साधुओं की हुई निर्मम हत्या के मामले में जिला पठानकोट के साधु महात्माओं और हिंदू संगठनों की ओर से भारी रोष व्यक्त किया गया। साधु महात्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लॉकडाउन के चलते इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई और पुलिस प्रशासन ने सारा दृश्य मूक दर्शक बनकर देखता रहा। ये साधुओं की हत्या नहीं बल्कि मानवता की हत्या है। वे साधु समाज जो समाज के लिए जीता है, समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए शिक्षा देते हैं और पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं, उनकी इस तरह हत्या बहुत ही निंदनीय है। इस विषय पर केंद्र सरकार को आगे आकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि वे इस तरह का दुष्कर्म करने के बारे में सोच रखने वालों को 100 बार सोचना पड़े। अगर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की मौजूदा सरकार ने कोई भी जल्दी एक्शन नहीं लिया तो जूना अखाड़ा की ओर से महाराष्ट्र में कुछ करेगी और इसके विरोध में धरना देगी। एनटीवी टाइम्स से संवाददाता अमनजीत की रिपोर्ट। साधु संतों के हमला आया उनके बारे की कहना चाहोगे? मैं सतीश महाजन, शिवसेना पंजाब, उत्तर भारत चेयरमैन, हिमाचल प्रभारी। बहुत ही ये दुखदी घटना, जिहड़े लोगों ने भी उसे हमला किया, जानलेवा हमला है। और सनातन धर्म के साधुओं, जूना अखाड़ा के साधुओं जिहड़ा मारा गया, इहदा बदला असीं जरूर लवांगे। असीं संत समाज के नाल हाँ, जूना अखाड़े के नाल हाँ। जिस तरह ही लॉकडाउन खुलता, जूना अखाड़े का जिहड़ा भी हुक्म होगा, असीं बॉम्बे जाण नूं तैयार हाँ, महाराष्ट्र जाण नूं तैयार हाँ। मेरी उद्धव ठाकरे जी अगे बेनती है कि एक माननीय बाला साहब ठाकरे के बेटे श्री उद्धव ठाकरे जी, जेडे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, और उत्थे हिंदुओं ते अत्याचार, बड़ी ही शर्म की गल है। उद्धव लीए उन्होंने चाहिए कि तुरंत उन्होंने लोगों नूं, कोई कोर्ट नहीं, कोई अदालत नहीं, उन्होंने फड़न। शिव सैनिक जेडे महाराष्ट्र के योधा ने, और उन्होंने तुरंत सजा देन, जिस तरह साढ़े सनातन धर्म के साधुओं, जूना अखाड़े के साधुओं सजा दी गई है। उन्होंने मौत के घाट उतारा गया, की कसूर थी उन्होंने सत्ता का? और उत्थे पुलिस सामने देखे करती है, महाराष्ट्र की पुलिस इन्नी निकम्मी हो गई है कि जिन्होंने नाल हो गए दो संतों को मरवाता। असी जूना अखाड़े के नाल हाँ, जिस तरह जूना अखाड़ा हुक्म करेगा, जिस तरह की आग्या करे, शिवसेना पंजाब पूरी तन मन धन के नाल जूना अखाड़े के नाल खड़ी है और महाराष्ट्र जाण नूं तैयार है। असी जाके पूरा ही उत्थे मुख्यमंत्री का घराव करांगे अगर इन्हां नूं गिरफ्तार नहीं किया गया तो। जय हिंद, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं विक्की ठाकुर, पंजाब प्रधान यूथ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति। साथियों, जिस तरह की तुसीं सारे जानते हो कि पालघर महाराष्ट्र च 3 जणिआं नूं बेदर्दी नाल शहीद करता गया, जिन्हां च 2 साढ़े संत महापुरश सीगे, जिन्हां च एक दी ते उम्र भी 70 साल हैगी, और वो जूना अखाड़े नाल संबंधित ही, जिहड़ा कि साढ़े भारत का एक बड़ा ही विशिष्ट अखाड़ा है, जिहड़ा कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, ये हमला कोई ऐदा का हमला नहीं है जिहड़ा अचानक गुस्सा आ गया तो किसी ने किसी नूं मारता। ये सुनियोजित हमला है। इहदे च पूरा ही पिंड, जिन्ना कि उस कस्बे की आबादी होनी, मोटी मोटी नज़र ना 50 तो 100 बंदा नज़र आ रहा है, और सारे हथियारां और लाठियां नाल लैस सीगे, और किसी ने भी मारदे बजुर्ग नूं छुड़ाया नहीं। और सब तो वड्डी जिहड़ी दुख की गल है, वह पहली बारी जिंदगी च जो देखिया है कि महाराष्ट्र पुलिस अपनी जान बचा रही है। जां तो वह बदमाश पेशेवर बदमाश सीगे, जिन्हां को पुलिस भी डर गई कि अहीं हथियारां नाल लैस नहीं गए, और इहनां दी तादाद बहुत ज़्यादा। कम से कम उन्होंने अपने उत्ते सरकार नूं बयान देना चाहिए कि साढ़े बाहर ही स्थिति हथों की, तो यह हमला होया। हर कोई अपने दुख च अपनी जान पहले बचाता है। साथियों, जो जूना अखाड़े का आदेश होएगा, साडे गुरु जी पटियाले ने, महामंडलेश्वर जी, जो आदेश देंगे, जूने अखाड़े नाल संबंधित ने, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति का हर एक कार्यकर्ता वचनबद्ध है उस चीज़ का बदला लैण लई। 3 तरीक तो लॉकडाउन तो बाद जो आदेश होएगा, तन मन धन उहदी करांगे। इहदे नाल मैं एक होर गल कहना चाहुंदा कि बाला साहब महाराष्ट्र के शेर है रे आ, और उन्होंने बेटे कुदरत वालों हुण मुख्यमंत्री ने, और सारिया दी उम्मीदा उन्हां ते केंद्रित ने। अहीं ये उम्मीद करते हाँ कि बाला साहब के बेटे अपने पिता जी तो भी वध के सख्त एक्शन लैणगे, क्योंकि उन्हां दे हुंदे होए कि इहदी जरूरत नहीं महाराष्ट्र च किसी भी समाज नूं। तां मानयोग उद्धव ठाकरे जी नूं सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहीदी है, तां कि इतिहास याद रखे कि गाय दी हत्या कीती ते संत दी हत्या कीती, इहदे च कोई फर्क नहीं है।
और मैं तो जानना चाहना कि हर 15 दिन बाद साडे देश च साडी आत्मा नूं झंझोड़िया जांदा, कदी लड़कियां नाल गलत काम हो जांदा और कोई कुछ नहीं, उही अपील दलील दा सिलसिला चालू हो जांदा, चैनलां ते शोर पै जांदा। बाद च 15-20 दिन बाद की हो जांदा कि 6-6 साल केस चलदे आ। इहनां दा फौरन पकड़ के इनकाउंटर करना चाहिए क्योंकि ये राक्षस रूपी अजगर ने जिन्हां नूं कुचलना बड़ा जरूरी है। अगर ये 5-7-10 इदां बेदर्दी नाल मारे जाणगे ते समाज दा गंद खत्म हो जाएगा, लोगों नूं कानून दा अमल करन दा डर पै जाएगा। साथियों, इन्हां शब्दां नाल मैं विराम लैना। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। बाबा जी, जो महाराष्ट्र में जूनागढ़ के महंतों की हत्या की जा रही है, उसके विषय में आप अपने क्या कहते हैं? मैं जूना अखाड़े का सदस्य श्री महाराज शंकर जी की गिरगे शीश से, और ये जो महाराष्ट्र में महात्माओं की हत्या की गई है, इसके बारे में गवर्नमेंट को तुरंत जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होए, कानूनी कार्रवाई द्वारा क्या क्या किया जाएगा? रोष शब्द हमारे अखाड़े के तरफ से जो होगा निर्णय वो ही करते हैं। पदाधिकारी बड़े बड़े महात्मा हमारे मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य, हम तो छोटे से सदस्य हैं जूना अखाड़े के। आने वाले समय में आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? दबाव अपने आप अखाड़ा सबको पता ही है जो हो रहा है। देखने को आया कि पुलिस वालों ने भी मतलब साधु संत, हाँ हमने भी देखा न्यूज उसमें पुलिस वाले वो महात्मा पकड़ के सोच रहा भी मेरे को बचाएगा, लेकिन उन्हें भी छोड़ दिया आगे। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी भूमिका लग रही है? हाँ ऐसी लगी हुई, अपनी जान बचा रहा हो, रक्षा क्या करनी थी उसने। हम महाराष्ट्र जो की जो सरकार है उससे क्या मांग करते हैं? उससे यही करते हैं कि भी जल्दी से जल्दी उनको फांसी करी जाए और क्या। हाँ जी महात्मा जी, आप जो महाराष्ट्र में जूना खाड़े के महात्मा जी की निर्मम हत्या की गई है जी, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में ये, हम जूना अखाड़े के साधु हैं, तो जूना अखाड़े का ये नियम है कि हम मर्यादा में रहते हैं। हमारी जो मर्यादा है, हम अपनी मर्यादा, दूसरा आदमी अगर सामने वाला मर्यादा तोड़ता है तो हम उसको छोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि उन लोगों ने मर्यादा तोड़ी है तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा, देखा गया कि पुलिस वालों ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया साधु महात्माओं का, तो पुलिस वालों के साथ होगा हमारा, जैसे जो हमारे अधिकारी लोग निर्देश करेंगे तो उनके साथ है, हम अधिकारियों के साथ। आने वाले टाइम में आपका क्या मतलब प्लान है? हमारा प्लान जो है कि जो हमारे जो अधिकारी हैं जैसा निर्देश मिलेगा हम उनके साथ हैं। क्या आपका मुंबई कूच होगा? हो सकता है। और आप मुंबई पर जो है सरकार, उससे क्या मांग करते हैं? सरकार से, हाँ जी सरकार से हमारा यही रहेगा कि जिन दोषियों को कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूँ, सचिव श्री महंत अजय गिरी नागावा जिला पठानकोट पंजाब। अगर ऐसा होगा कि सब इकट्ठा लॉकडाउन टूटने के बाद जो है सभी इकट्ठा संत मंडल होकर के और इसके विषय में धरना देने का आग्रह करेंगे कि सरकार को ये सूचित करेंगे कि भाई हमारे संत इस प्रकार से मारा जाता है और कोई उसको कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारे मंडल जूना अखाड़े के जो भी हैं संत या खरदर्शन जो भी होंगे उसके लिए हम बड़े से बड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि सरकार को कि उसके लॉकडाउन टूटने के बाद कि तगड़े से तगड़े उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।